लव जिहाद का मामला आया सामने। मुस्लिम युवक ने हिंदू युवक के नाम से बनाए फेसबुक आईडी। युवती को प्रेम जाल में फंसाकर 2 साल तक करता रहा शारीरिक शोषण। युवती को चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर किया रेप। मोबाइल से ली फोटो, अश्लील फोटो दिखाकर करता रहा ब्लैकमेल। पाली थाना इलाके के रहने वाले युवक के विरुद्ध पीड़िता ने दी तहरीर। मेरा ये है, इसने हमें ब्लैकमेल किया है और कंपनी आंकी दोस्ती के नाम बताया इसने। फिर हमको बुलाता रहा, मिले, फिर इसने हमको चाय के नशे में उसने पिला के उसने हमें बेहोश करके हालत में ले आया। फिर उसने शारीरिक शोषण किया। फिर उसके बाद अब मेरी जब शादी तय हो गई तब वो ब्लैकमेल कर रहा है, कभी शादी नहीं करने देंगे, फैमिली में किसी को जिंदा नहीं रखेंगे, सबको मार डालेंगे। हमें बस सिर्फ न्याय चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। जब आपसे पहली बार मिला था तो हिंदू बन के मिला था? हाँ, हिंदू बन के मिला था। अंकित वाजपेयी नाम बताया था, पत्रकार है और मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। पाली में कभी आप हमको ढूंढ नहीं सकते, जिंदगी में पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, ढूंढ नहीं पाओगे। क्या मामला? ये प्रकरण हमारे संज्ञान में कल आया था। अभी तक की जो जानकारी है उससे ये है कि एक लड़की और लड़के हैं जो हरदोई जनपद के ही हैं। ये लोग एक साथ काम करते थे एक कंपनी में शाहजहाँपुर में, वहाँ इनकी दोस्ती हुई थी। अभी हमें जो शिकायत प्राप्त हुई उसमें ये तथ्य आए हैं कि जो लड़की हैं उनका कहना है कि गलत नाम से मेरे साथ दोस्ती की गई और मेरी गलत फेसबुक आईडी बनाई गई, नशीली चाय में मुझे कुछ पिला दिया गया और अश्लील फोटो और गलत काम उनके साथ किए गए। इनकी शिकायत पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, अभियुक्त जो है उसकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है, विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। सर, कुछ धर्म समुदाय से भी जुड़ा मामला आया है इसमें बीच में? हाँ, दोनों लोग अलग अलग समुदाय के हैं।